गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सेम टॉपिक वी विल अगेन टेक लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 एंड एक्सरसाइज 6.2 इज गोइंग ऑन एंड द थर्ड क्वेश्चन आई एम टेकिंग टुडे एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द फिगर and then we will find out the solution of question 3. Your question 3, in that question it is given, you open your NCERT book page number 104. If AB parallel to CD, see the figure, if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD. Perpendicular means this angle is also 90 degree and this angle is also 90 degree. Angle EFD and angle EFC, its measure is 90 degree. बिकॉज ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो यू कैन से ऑल्सो एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी ऑल्सो, बिकॉज बिटवीन द टू पैरेलल लाइन द डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इट मीन्स अगर ये दो एंगल आपके 90 है तो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो 90 डिग्री। एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल जी ई डी इज एंगल 126 डिग्री। जी यहां पर एफ ई लिखा हुआ है तो यू विल राइट डाउन एफ ई, ओके। और जी ई डी यहां पर एक जी पॉइंट है, जी ई डी एंगल इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट द थ्री एंगल्स। The first one is angle A G E. एक तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल A G E. एंड द सेकेंड एंगल यू हैव टू फाइंड एंगल G E F. आपको उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करना है जहां पर मैंने डॉट डाला है G E F, ये सिर्फ अंदर वाला एंगल, ओके। और लास्ट में आपको फाइंड करना है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई उसके बाद आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई। अब हम ये तीनों एंगल इस फिगर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वन बाय वन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ए जी ई, ए जी ई जो है, बिकॉज जो लाइन ए बी और सी डी है, ये लाइन ए बी और सी डी क्या है, यहां पर मैं सोल्यूशन लिख रही हूं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ध्यान से देखना, ए बी सी डी के पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, जी ई ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल जी ई है ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को जैसे ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ दिस एंगल इज गिवन यू, ये पूरा एंगल आपको जीईडी दे रखा है 126 डिग्री। अगर ये एंगल 126 है तो इट मींस ये भी एंगल आपका क्या होगा, 126 क्यों होगा, इसका रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर लिखो एंगल जीईडी इक्वल टू एंगल ए जी ई फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन जरूर लिखना है, विदाउट रीजन यू कैन नॉट राइट डाउन की एंगल ए जी इक्वल टू 126 डिग्री, ये रॉन्ग होगा। आपको ये रीजन जो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखती हूँ ये लिखना जरूरी है, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपका एंगल जी ई डी, क्योंकि गिवन में दे रखा था एंगल जी ई डी, मैं फिर से लिख रही हूं,
एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री ये गिवन है. सो एंगल AGE इज आल्सो इक्वल टू 126 डिग्री. तो आपका फर्स्ट मैंने जो फाइंड आउट करना था एंगल AGE वो आपका फाइंड आउट हो गया. नाउ सेकंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. I subtract from GED. GED में से क्या subtract करना है आपको, यहां पर FED subtract कर देंगे हम, क्योंकि FED जो है ये एंगल आपका 90 डिग्री है. क्यों 90 है मैं आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि FE जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर. ये यहाँ पर हमारे पास गिवन दे रखा था FE जो है वो परपेंडिकुलर है. तो इट मींस आपका एंगल एफ ए डी जो है उसका मेजर कितना है आपका 90 डिग्री और जी डी कितना है 126 डिग्री. ये आपको गिवन था तो 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री. तो अब आपका सेकंड एंगल भी फाइंड हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड थर्ड एफ जी ई. एफ जी ई ये एंगल हम कैसे फाइंड करें इतना एंगल. अब ध्यान से देखो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और जी ई जो है उसे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये जो दो एंगल एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर ये दोनों एंगल इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर. तो हम किस तरह से लिखेंगे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड जी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड या रे भी लिख सकते हो जी ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो. जी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड तो टू एंगल कौन से फॉर्म हुए. एक तो आपका एंगल ए जी ई फॉर्म हुआ और एक आपका फॉर्म हुआ एफ जी ई. आप एफ जी ई को कैसे रीड कर सकते हो दो तरह से रीड कर सकते हो. आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हो एफ जी. आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हो बी जी ई. लेकिन आपको कौन सा एंगल चाहिए आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है एफ जी ई. तो मैंने ये वाले एंगल को कैसे यहाँ पर राइट किया है एफ जी ई लिखा है. तो ये इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर ए जी ई का जो मेजर है That is equal to 126. आपने already find कर दिया है 126 plus FGE equal to 180 degree. तो FGE का major कितना आ जाएगा angle FGE equal to 180 minus 126 that is equal to 54 degree. तो ये हमारा angle FGE का major कितने degree आ गया 54 डिग्री. आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करने हैं स्टेप वाइज देखने हैं और स्टेप वाइज ही उनको सॉल्व करना है. तो पहला स्टेप था ये एंगल आपको 126 दे रखा है तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 126 डिग्री बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और सेकंड आपको क्या फाइंड करना था जी ई एफ फाइंड करना था. इफ आई सब्ट्रैक्ट 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो देन आई कैन फाइंड द एंगल जी ई एफ. तो एंगल जी ई एफ हमारा कितना आ गया 36 डिग्री. और लास्टली वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. तो हाउ वी कैन फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एफ जी ई. इफ आई एड ये दोनों एडजेसेंट एंगल को इफ आई एड टूगेदर देयर सम इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर. एक स्ट्रेट लाइन में अगर एक
कॉमन रे उसे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द कॉमन रे, और तो उससे जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्मेशन होती है, दिस एंगल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 180. तो यहां पर मैंने लिख भी दिया था, दीज आर द लीनियर पेयर. तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल एफ जी ई, तो 180 में से, बिकॉज दिस एंगल मेजर इज 126, तो now further the next question we will take. next question mein aapko de rakha hai, fourth question. What we have to find in this question, find angle QRS. आपको क्या find करना है, ये बहुत important question है, इसलिए ध्यान से देखना इस question को हम कैसे solve करते हैं. ये question हमारा किस तरह से होगा, हमें figure कैसे दे रखी है, ये figure इस तरह से बनी हुई है. PQ और ST, PQ जो है वो ST के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू ST, ठीक है. और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है. अब इन दो एंगल के साथ इस एंगल का क्या रिलेशन है, इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इसे मैंने नाम दे दिया है एम एन, यहां पर आर है, एक मैंने लाइन ड्रॉ की एम एन जो कि PQ के पैरेलल है. अगर ये PQ के पैरेलल है और PQ ST के पैरेलल है तो इट मींस ये लाइन ST के भी पैरेलल है. मैंने एक बताया था आपको, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द अनदर लाइन देन दैट लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द, अगर हम एक से ज्यादा लाइनें थ्री और वन, और जैसे ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो यू कैन से, और सेकेंड लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू द थर्ड लाइन, एंड से फर्स्ट इज ऑल्सो पैरेलल टू द थर्ड लाइन. तो सिमिलरली ये इसी तरह से है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यहां पर मैं सोल्यूशन लिख रही हूं, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ कर दिया है पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एम एन, ये हमने फिगर ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, तो देन यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो देन एम एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, ठीक है. तो पहला स्टेप तो हमने लिख दिया कि ये तीनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं. अब स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं हम. और यहाँ पर एंगल टू और दिस इज एंगल थ्री, ये जो क्यू आर एस आपको फाइंड करना है इसको मैंने नेमिंग दे दिया है एंगल थ्री. तो अगर पी क्यू एम एन के पैरेलल है और क्यू आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल 110 और एंगल 1, इन दोनों का मेजर क्या होगा,
these are the co-interior angle. तो यहां पर लिखो if PQ parallel to MN and QR transversal intersect. That is equal to 70 degree. और रीजन लिखो यहां पर को इंटीरियर एंगल. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बच्चे फिगर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट एसटी ऑल्सो. तो अगर एम एन एस टी के पैरल है और आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, एम एन पैरल टू एस टी एंड आर एस या एस आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, तो कौन से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 130 और एंगल 2. ये भी कैसे एंगल हैं, दीज आर ऑल्सो द को इंटीरियर एंगल. तो यहां पर लिखो 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. यहां पर ये भी लिख दो दीज आर ऑल्सो द को इंटीरियर एंगल. तो एंगल 2 का मेजर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो ये एंगल का मेजर, ये वाले एंगल का, एंगल 2 का मेजर क्या आ गया आपका, 50 डिग्री. अब आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन एंगल 3. आपको क्या फाइंड करना है, एंगल 3 का मेजर फाइंड करना है. तो हाउ यू विल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 3, एक स्ट्रेट लाइन को अगर एक से ज्यादा रे यहाँ पर कट कर रही है, क्यू आर बी और आर एस बी, तो जो एंगल फॉर्म हुए एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2, इन तीनों का मेजर क्या होगा, ये तीनों का मेजर भी 180 होगा. बट रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. तो यहां पर लिखो एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, MN is a straight line, और ये दो ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहे हैं, ये मैं नहीं लिख रही हूं यहां पर, और ये आपको ऑटोमेटिकली ये दो रे कट कर रही हैं, तो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लिख दो, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. तो एंगल 1 जो है आपका, एंगल 1 निकला था 70, तो एंगल 1 की जगह पुट कर दो 70, और 3 आपको गिवन नहीं है, और एंगल 2 अभी आपने फाइंड किया था 50 डिग्री, तो 2 की जगह मैंने लिख दिया 50. तो 70 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 120. 120 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180. तो एंगल 3 का मेजर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल 3 जो था वो आपका क्या था, क्यू आर एस था. तो एंगल क्यू आर एस का जो मेजर आ गया वो आपका क्या आ गया, 60 डिग्री. आपको ये फाइंड आउट करना था, तो ये आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है. You have to find out the, क्योंकि मैंने QRS को एंगल का नाम दे दिया था एंगल 3, तो एंगल QRS का जो मेजर आ गया वो आपका कितना आ गया, 60 डिग्री, ओनली 60. ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन. देखो मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी थी और मैंने इन दोनों लाइन के कंपैरिजन में एक लाइन और ड्रॉ कर दी पैरेलल, एम एन दैट इज पैरल टू पी क्यू ड्रॉ कर दिया. तो अगर ये लाइन एम एन पी क्यू के पैरल है और पी क्यू एस टी के पैरल है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हम कह सकते हैं कि एम एन पैरल टू एस टी ऑल्सो. तो यहाँ पर ये लाइन अगर इसके पैरल है तो ये दो एंगल का जो सम है दे आर द को इंटीरियर एंगल,
तो एंगल वन का मेजर फाइंड आउट कर दिया. सिमिलरली इफ एम एन पैरेलल टू एस टी तो ये दो एंगल का मेजर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180. तो एंगल टू का मेजर भी आपका कितना आ गया 50. अब अगर मुझे ये वाला एंगल बीच का एंगल फाइंड करना है तो ये तीनों एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180. तो एंगल थ्री का मेजर कितना आ जाएगा आपका, वो वन और टू की जगह पुट करके वैल्यूज 70 और 50, यू कैन फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल थ्री दैट इज इक्वल टू 60 degree. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नाउ क्लियर टू यू. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज नाउ आई एम टेकिंग. सीधा फिफ्थ क्वेश्चन, इन द फिफ्थ क्वेश्चन इट इज गिवन इफ ए बी पैरेलल टू सी डी. Parallel to CD or angle angle PRD, ये angle आपको दे रखा है 127 degree. और आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारे पास पहले क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें गिवन है और एंगल ए पी क्यू दैट इज इक्वल टू 58 degree. नहीं सॉरी 50 degree दे रखा है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 50 degree. और यहाँ पर एंगल पी आर डी जो है वो हमें दे रखा है 127 degree. ठीक है, यहाँ पर एंगल मेजर चेंज भी हो सकता है आपका क्वेश्चन में. तो यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी अभी मैं करा रही हूँ तो जो जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं पहले वो सॉल्व कर रही हूँ मैं. एंगल ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 degree और पी आर डी दे रखा है 127 एंड वेट वी हैव टू फाइंड, आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है. एक्स जो है वो पी आर, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है ये आर है, पी क्यू आर जो है वो एक्स है और वाई जो है क्यू पी आर वो वाई है. हमें ये दो एंगल का मेजर जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ए पी क्यू जो है 50 degree है और ए बी सी डी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है. तो यहाँ पर लिखो इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्यू पी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, क्यू पी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, तो एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर ये कैसे एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल ए पी क्यू अगर 50 degree है तो पी क्यू आर हमारा x था तो इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई 50 degree. ये आपका फर्स्ट जो है जो आपको फाइंड आउट करना था
तो फर्स्ट जो है कि आपने वैल्यू x की फाइंड आउट की है, तो x वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 50 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो. तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? अब आपका ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और पी आर ट्रांसवर्सल इसे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल 50 प्लस वाई पूरा वो किसके बराबर है? वो 127 के बराबर है, फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल. क्योंकि अगर ये ट्रांसवर्सल नहीं, सिर्फ इतना ट्रांसवर्सल अगर आप देखो तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल किससे मिलकर बना था? 50 प्लस वाई से मिलकर बना था. तो यहां पर लिखो अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड. तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं? ये 127 किसके इक्वल है? 50 प्लस वाई के इक्वल है. ये भी कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है जिस तरह से मैंने ये सारे स्टेप लिखे हैं. नाउ 127 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू वाई. तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 77 डिग्री. तो ये आपका एंगल एक्स और वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर, कि एंगल एक्स का जो मेजर है वो तो 50 है अल्टरनेट एंगल, और वाई का जो वैल्यू निकालना है 50 प्लस वाई, ये टोटल एंगल मिलकर 127 के बराबर है. तो एंगल वाई का जो मेजर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 77. अब पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही है वो एग्जाम्पल भी, ताकि ये कंसेप्ट आज आपका क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 101. अब लास्ट का क्वेश्चन मैं लूंगी. उस क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है और क्या गिवन? इफ क्यू पैरेलल टू आर एस, ध्यान से देखना ये एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और एंगल एम एक्स दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल एम वाई आर दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. फाइंड एंगल एक्स एम वाई. तो पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है. फिगर सिर्फ जो यहां पर एक साइड इस तरफ वाली फिगर दे रखी है, आपको ये फिगर गिवन होगी और ये फिगर का जो सेकेंड फिगर दे रखी है वो कंस्ट्रक्शन आपको खुद करनी होगी. तो आपके पास जो फिगर दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस. PQ parallel to RS और XMY, ये फिगर आपको गिवन होगी. XMY यहां पर ये आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल. और क्या क्या रखा है? MXQ ये एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री और MYR ये वाला एंगल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 40 डिग्री. अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया था 6.2 एक्सरसाइज का, इसी तरह से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपको. यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर एन एल, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो. तो यहाँ पर पी क्यू आर एस के पैरेलल है और मैंने कंस्ट्रक्शन में पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एन एल, एक अनदर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है पी क्यू दैट इज पैरेलल टू एन एल. तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ, ये लाइन अगर इसके पैरेलल ड्रॉ की है और पी क्यू पैरेलल टू आर एस है,
So then you can say NL is also parallel to RS also. तो यहां पर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ड्रॉ another line NL parallel to PQ और PQ parallel to RS is given. So you can say NL is also parallel to RS. ठीक है, पहले तो ये इतना स्टेप आपको क्लियर करना है इस क्वेश्चन में. अब हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है एक्स एम वाई. ये एक्स एम वाई दो एंगल से मिलकर बने, कौन से दो एंगल से, एक तो एस एम एल, ये इतना एंगल, सिर्फ इतना, ठीक है, और एक मिलकर बना है एल एम वाई, ये इतने एंगल से. एक्स एम वाई जो है वो किससे मिलकर बने है, एक्स एम वाई मैं यहां पर लिख रही हूं. एक तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंगल एक्स एम एल की और एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है एल एम वाई की. ठीक है, ये दो एंगल्स आपको फाइंड करनी है. मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ. यहाँ पर इसे एंगल वन का नाम दे दिया मैंने एक्स एम एल को और एल एम वाई को मैंने एंगल टू का नेमिंग दे दिया. अब हम कैसे फाइंड करें, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो 135 और एंगल 1, ये कैसे एंगल बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं. तो एंगल 1 का मेजर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. मैंने पहले फर्स्ट एंगल का मेजर निकाल दिया. नाउ आई फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल 2. ये वाला एंगल 2 और 40 क्योंकि एन एल पैरेलल टू आर एस है और ये ट्रांसवर्सल वाई एम इसे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो 2 और 40 का क्या रिलेशन है, यहां पर लिखो एम वाई इंटरसेक्टेड. सो एंगल 2 और 40 कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो अब हमारा वन एंगल का मेजर भी निकल गया और टू का भी मेजर निकल गया. जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 85. तो क्योंकि आपका एक्स एम वाई जो है एक्स एम एल जो एंगल वन है, एंगल वन है उसको आप एंगल एक्स एम एल भी लिख सकते, दैट इज इक्वल टू 45. और एंगल टू जो है उसको आप एल एम वाई भी लिख सकते हो. तो यहां पर ये एंगल आपका 45 है और ये एंगल आपका 40 है. तो टोटल मेजर कितना आ गया आपका 85 डिग्री. तो हमें टोटल एक्स एम वाई का मेजर जो है इस एंगल में फाइंड आउट करना था.